Good morning, students of class 6. Today, welcome to you for learning a new exercises of chapter 5. This is exercise 5.5. Before doing the question of this exercise, we have learned the concept of this exercise. What is a perpendicular lines? In the previous video of this chapter, we have learned about the different kind of angles and how do we measure the angles. But today, we will see what are perpendicular lines. And when lines ko jab form karte hai, we have drawn them, then we will see what angles wo form karte hai. When two lines intersect, at the angle between them is a right angle. It means कि आपको दो lines लेनी है और दोनों लाइनें जब एक दूसरे को क्या करती है intersect, तो वो कौन सा angle बनाए? Right angle. It means for an example like you have a two perpendicular lines. आपकी two lines है, एक line है AB और एक line है NH. तो आप देखेंगे कि ये जो दोनों lines हैं ये कैसी हैं? Perpendicular line है. कि जो line NL है वो line AB पे कैसी है? Perpendicular. Perpendicular means कि दोनों लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और कैसे एंगल्स बना रही है? राइट एंगल. राइट एंगल मींस एल शेप. और राइट एंगल के लिए एक साइन यूज किया जाता है, एक लाइन लाइक अ उल्टा टी, लाइक अ ऑपोजिट टी होता है. तो दिस इज अ साइन ऑफ परपेंडिकुलर. लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ अ लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी. वी राइट ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी. सो फॉर एन एग्जाम्पल लेट ए बी अ लाइन सेगमेंट. देखिए यहाँ पे इन्होंने फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने ए बी एक लाइन सेगमेंट ली है. ओके, मार्क द एट मिड पॉइंट. और इसके लिए इन्होंने सबसे पहले क्या कर दिया? एक मिड पॉइंट बना दिया. अब उसके ऊपर उन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दी. तो आप देखेंगे कि ये जो लाइन है ये फोर राइट एंगल्स को फॉर्म कर रही है. 1, 2, 3, 4. इट्स मीन वी कैन से दैट कि अब हमारे पास फोर एंगल्स बन गए, फोर राइट एंगल्स बन गए, विच आर NMB, NMA. ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द क्वेश्चन नंबर 1. विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइन. स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या बताना है? आपको परपेंडिकुलर लाइन्स को चेक करके बताना है. हेयर आर फोर क्वेश्चंस फॉर अस कि हमें इनको रीड आउट करना और बताना है कि अगर ये शेप्स हैं तो क्या वो परपेंडिकुलर है या नहीं. फर्स्ट, द एडजेसेंट एजेस ऑफ अ टेबल टॉप. अब आपको पता है एडजेसेंट एजेस क्या होते हैं, कि जो लाइन्स एक दूसरे को कैसे करती है? इंटरसेक्ट. कि एक टेबल टॉप की जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं या जो एजेस होती हैं वो परपेंडिकुलर है या नहीं. द लाइन्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल, द लेटर वी. एज वी नो द परपेंडिकुलर लाइन्स आर, फॉर एन एग्जाम्पल देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन है, एक लाइन है हमारी ए बी और उस पर आपने क्या किया है? एक लाइन्स को फॉर्म कर दी. तो देखिए दिस इज अ राइट एंगल. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द एडजेसेंट एजेस ऑफ अ टेबल टॉप. एडजेसेंट साइड्स क्या होती है? एंगल मीन्स कि आपकी जो मान लीजिए ये लाइन है वन लाइन और ये लाइन एक दूसरे से जुड़ी हुई है. ओके, तो आप देखेंगे कि ये लाइन और ये लाइन को जब हम मिलाते हैं एजेस जो हैं एक दूसरे को, तो ये कैसा एंगल फॉर्म कर रही है? राइट एंगल. सो वी कैन से दैट यस इट इज परपेंडिकुलर. द नेक्स्ट थिंग इज द लाइन्स ऑफ ए रेलवे ट्रैक. एज वी नो कि जो रेलवे ट्रैक की जो लाइन्स होती है वो कैसे थे? पैरेलल. और देखिए परपेंडिकुलर लाइन्स को होती है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे लाइक दिस. लेकिन आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो लाइन्स है और ये दोनों जो लाइन्स है ये दोनों किस टाइप के? रेलवे ट्रैक किसी टाइप का होता है, या तो इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से. और जो इनके लाइन्स होती है वो कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करती. सो वी कैन से दैट कि द लाइन्स ऑफ ए रेलवे ट्रैक इज नॉट परपेंडिकुलर बिकॉज दे आर नॉट meet to each other. वो एक दूसरे को मिलते नहीं है. दैट्स वाई दे आर नॉट परपेंडिकुलर. द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग द लेटर वी. इसी तरीके से आपका लेटर वी है. ओके, जो अगर आपका लेटर वी है वो क्या है? आप देखेंगे कि ये एक मैंने वी शेप बना दी टू लाइन्स फॉर्म करके. ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो है ये तो इट्स लुक लाइक अ ट्राइंगल. तो हम बोल सकते हैं दिस इज नॉट परपेंडिकुलर. ओके ओके, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल. अब आप देखिए जो लेटर एल है, पहले आपने एक स्ट्रेट लाइन खींची होगी, फिर आपने एक स्लिपिंग लाइन बनाई होगी. तो आप देखेंगे कि ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को मीट करके एक एंगल फॉर्म कर रही है. एंड इट्स लुक लाइक अ 90 डिग्री, और 90 डिग्री मतलब राइट एंगल. सो वी कैन से दैट द लेटर एल इज इन एग्जाम्पल ऑफ परपेंडिकुलर. तो हम बोल सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है. ओके, नाउ वी रीड क्वेश्चन नंबर 2. लेट लाइन पी क्यू
बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। देखिए यहाँ पे आपकी टू लाइन्स हैं, एक लाइन है पी क्यू और एक लाइन है एक्स वाई, लेकिन जो पी क्यू लाइन है आपको उसको परपेंडिकुलर बनाना है, किसके ऊपर, एक्स वाई पे। लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ए, और उसके अलावा ये जो दोनों लाइन्स हैं ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं, और इस पॉइंट का नाम क्या है, ए। सो वट इज़ अ मेजर ऑफ एंगल, पी ए वाई। सो लेट सी, अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन वी नो दैट सिंस पी क्यू परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, मतलब परपेंडिकुलर का साइन यही होता है कि एक आपकी स्ट्रेट लाइन और उसके नीचे आप एक स्लिपिंग लाइन बना देंगे, सो दिस इज एन परपेंडिकुलर साइन। तो देखिए कि पी क्यू को परपेंडिकुलर बनाना है किस पे, एक्स वाई लाइन पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फॉर्मिंग द लाइन एक्स वाई, इन्होंने सबसे पहले क्या किया होगा, एक्स वाई लाइन को फॉर्म किया, और उसके ऊपर पी वाई पी क्यू लाइन को क्या किया, इन्होंने फॉर्म किया, और ये पी क्यू क्या है, और साथ में ये भी कंडीशन दी कि जो पी क्यू है और एक्स वाई वे एक दूसरे को एक पॉइंट पे मीट कर रही है, और वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा आपका, ए। तो आप देखिए कि इन दोनों, ये दोनों लाइन सब एक दूसरे को मीट कर रही है, तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, विच एंगल इज द एंगल पी ए वाई इफ़ वी मेजर इट फ्रॉम द, और हमें पता है कि इस टाइप का जो लुक लाइक एन अलोंग एंगल होता है, दिस इज अ राइट एंगल, सो वी कैन से दैट द एंगल पी ए वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि जो एक राइट एंगल होता है उसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है, दैट्स वाई जो एंगल पी ए वाई है वो हमारा कैसा एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर थ्री। देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री इज नॉट कम इन योर कोर्स, सो वी कैंट रीड इट। नाउ वी रीड क्वेश्चन नंबर फोर, स्टडी द डायग्राम। आप देखिए हमारे सामने एक डायग्राम बना हुआ है, द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम, इट्स मीन कि जो लाइन एल है वो किस पे परपेंडिकुलर है, लाइन एम पे। ओके, मतलब ये वाली जो लाइन है वो इस पे परपेंडिकुलर है, लेकिन हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं कि जिन्हें हमें सॉल्व करने, वी हैव द फोर समरीज, इज सी ई इज़ इक्वल्स टू ई जी। देखिए यहाँ पे बहुत सारे यूनिट्स बने, लाइक 0 से लेके 8 तक, और उसके अलावा इन्होंने इसको लेटर्स में भी कन्वर्ट किया है। सो ये बोल रहे हैं कि सी ई और ई जी इक्वल है क्या, सो लेट्स वी चेक इट। अगर हम इसे देख रहे हैं कि सी ई और ई जी के बीच में कितने यूनिट्स है, देखो सी से डी, डी से ई, सो अगर हम सी से ई को रीड करते हैं तो कितने यूनिट्स होते हैं, 2 यूनिट। अब इसी तरीके से ई जी को चेक करते हैं, ई के बाद 1 यूनिट, फिर देखो तो हम बोल सकते हैं कि दोनों में ही 2 यूनिट्स है, तो हम लिख सकते हैं यस बोथ मेजर्स 2 यूनिट। ओके, सो दैट्स वाई दे आर सेम। मान लीजिए अगर ई जी के बजाय एच होता तो यहाँ पे 3 यूनिट्स होता, तो वी कैन से दैट नो दीज आर नॉट मेजर 2 यूनिट्स। ओके, द सेकेंड क्वेश्चन, डस पी ई बाइसेक्ट सी जी। बाइसेक्ट का मतलब होता है कट करना। अब देखिए जो पी ई है आपका, वो किसको, सी जी को बाइसेक्ट कर रहा है क्या, देखिए अगर हम इसे चेक करते हैं तो देखो कि यस, कि हमारी जो लाइन है पी ई, देखते हैं पी ई कहाँ पर है, ये रहा पी ई। देखिए जो पी ई है वो किसे बाइसेक्ट करने के लिए पूछ रहे हैं हमसे, सी जी को, तो यस आपकी लाइन सी जी है एक, और ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो वी कैन से दैट यस ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट्स फॉर विच पी ई इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये बोल रहे हैं कि आपको 2 लाइन सेगमेंट्स बतानी है जो कि पी ई इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कि जो पी ई जो है आपका, पी ई मतलब जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो वो कौन सी 2 लाइन्स हो सकती है, तो हम बोल सकते हैं कि सी ई और ई जी। सो सी ई इज़ इक्वल्स टू ई जी लाइन। ओके, नाउ आर दिस ट्रू, ये बोल रहे हैं कि लाइन ए सी इज़ ग्रेटर देन एफ जी। ए सी देखो, ए सी के बीच में कितने यूनिट्स है, ए और सी के बीच में 1, 2 और एफ जी में 1, तो ऑब्वियसली बात है कि ये वाली जो लाइन्स है इनके 2 यूनिट्स हैं, विच इज़ ग्रेटर देन 1, सो वी कैन से दैट ट्रू। ओके, सी डी इज इक्वल्स टू जी एच, ये बोल रहे हैं सी डी और जी एच जो यूनिट्स हैं वो सेम है क्या, देखते हैं सी डी के बीच में कितने यूनिट्स है, 1, और जी एच के बीच में भी 1 यूनिट है, तो यस दे आर इक्वल। सो बी सी इज़ ग्रेटर देन ई एच, बी सी मतलब 1 यूनिट, और ई एच के बीच में कितने यूनिट्स है, 1, 2, 3, सो वी कैन से दैट ट्रू कि ई एच इज़ ग्रेटर देन बी सी, सो बी सी इज़ लेस देन ई एच। ओके, थैंक यू ऑल।